तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि बाहर कहीं से आउटिंग करके वापस अपने घर पर आए थे। तभी अचानक से उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये बॉक्स उनके घर पर कैसे आया। तभी उस बॉक्स में से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो आदमी उस बॉक्स को ओपन करके देखता है तो उस बॉक्स में एक किलर होता है जो उस आदमी पर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन कट होकर एक लड़के पर शिफ्ट हो जाता है। उस लड़के का नाम आर्किन होता है जो की मूवी का मेन कैरेक्टर है। आर्किन जो की एक फैमिली के घर पर काम किया करता था। इस फैमिली में टोटल चार लोग थे। उनकी छोटी बेटी का नाम हैना था। रिसेंटली ये लोग अपने न्यू घर में शिफ्ट हुए थे जहाँ पर ये अपने घर में रिपेयरिंग करवा रहे थे। तभी हैना का फादर आर्किन के पास आता है और उसे ऊपर वाले फ्लोर का डोर ठीक करने के लिए बोलता है। तब आर्किन ऊपर जाकर उस दरवाजे को ठीक करने लगता है। तभी आर्किन के पास हैना आ जाती है और वो उसे उसके साथ खेलने के लिए बोलती है। इसीलिए आर्किन अपने काम को अधूरा छोड़कर हैना के साथ चला जाता है। आर्किन हैना से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहे तो तुम क्या लेना पसंद करोगी। जिस पर हैना कहती है कि मुझे तो टेडी बियर्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे गिफ्ट में टेडी बियर ही दे। तभी हैना का फादर वहाँ पर आ जाता है और वो आर्किन से पूछता है कि उसने अपना काम अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं किया। जिस पर आर्किन कहता है कि मैं हैना के पास था, मेरी भी हैना जैसी एक बेटी है। इसके बाद आर्किन रात को अपनी बेटी के लिए एक टेडी बियर गिफ्ट लेकर जाता है। टेडी बियर को देख कर आर्किन की बेटी काफी खुश हो जाती है। यहाँ पर हमें इस फैमिली की फाइनेंशियली कंडीशन पता चलती है जो की काफी खराब थी और इन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ था सरवाइव करने के लिए और उनके पास सिर्फ एक रात का टाइम था उस कर्ज को रिटर्न करने के लिए। आर्किन की वाइफ उससे पूछती है कि तुम इतने थोड़े टाइम में इतनी सारी अमाउंट कहाँ से मैनेज करोगे। जिस पर आर्किन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रात तक इन पैसों का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद आर्किन एक रोबर के पास जाता है जो आर्किन को उस फैमिली का डायमंड चुराने के लिए बोलता है जहाँ पर आर्किन काम किया करता था। वो रोबर आर्किन को कहता है कि मैं उस डायमंड का 50% हिस्सा तुम्हें दूंगा। तो इसी वजह से आर्किन इस डील के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद आर्किन अपना सारा जरूरी सामान लेकर चोरी करने के लिए चला जाता है, लेकिन उस फैमिली के घर के बाहर एक डॉग आर्किन पर भौंकने लगता है। आर्किन उस डॉग को वहाँ पर देखकर काफी हैरान रह जाता है क्योंकि उस फैमिली का तो कोई डॉग था ही नहीं। लेकिन फिर भी किसी तरह आर्किन घर के अंदर एंटर हो जाता है। अंदर जाकर वो लॉकर को ओपन करने की कोशिश करता है जिसमे वो हीरा था, लेकिन तभी आर्किन को वहाँ पर किसी की आहट सुनाई देती है। इसी वजह से आर्किन वहीं पर छुप जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीरियल किलर था जो उस घर में आ गया था आर्किन के कदमों की आवाज सुनकर। तो वो किलर आर्किन को ढूंढने लगता है। फिर जब आर्किन वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाता है तो वो देखता है कि डोर पर तो 5 लॉक लगे हुए हैं। इसका मतलब ये था कि आर्किन वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। तभी आर्किन को अपनी फैमिली का ख्याल आ जाता है कि वो इतना सारा कर्ज कैसे भरेंगे, इसीलिए वो दोबारा लॉकर के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है फिर से। लेकिन तभी आर्किन को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। आर्किन उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि वहाँ पर हैना के फादर हैं, जिसे वो किलर बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। हैना के फादर जब आर्किन को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद ये सारा किया धरा आर्किन का है, इसीलिए वो आर्किन को मारने के लिए करीब पड़ी हुई कोई चीज उठाता है जिससे एक रस्सी खींचती है और हैना के फादर उस रस्सी से लटक जाते हैं। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि उस किलर ने उस घर में हर जगह पर ट्रैप लगाए हुए थे ताकि वहाँ से कोई भी ना भाग सके। फिर वो किलर हैना के फादर को रस्सी से उतार कर अपने साथ ले जाता है और जब आर्किन ये देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा। फिर आर्किन पुलिस को कॉल करने के लिए रिसीवर उठाता है, लेकिन उसके कान में एक नीडल चुभ जाती है क्योंकि उस किलर ने फोन में भी ट्रैप लगाया हुआ था ताकि कोई कॉल न कर सके। फिर आर्किन विंडो के थ्रू वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसकी उंगलियाँ ब्लेड में फंस जाती है जिससे उसे बहुत पेन होती है। लेकिन वो किसी तरह पेन को बेयर करके अपना हाथ उस ट्रैप में से निकाल लेता है। आर्किन देखता है कि वहाँ पर तो हर जगह ही ट्रैप लगाए गए हैं। इसके बाद आर्किन बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसे हैना का फादर बंधा हुआ मिलता है। आर्किन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम मत चिल्लाओ। फिर आर्किन उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है और तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ पर है। जिस पर वो आर्किन को बताता है कि मेरी वाइफ को उस किलर ने एक रूम में रखा हुआ, मेरी बड़ी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई हुई है जबकि हैना तो घर में ही कहीं पर छुपी हुई है। फिर हैना का फादर आर्किन को बताता है कि लॉकर में एक गन है जिसकी मदद से तुम किलर को मार कर हम सबको बचा सकते हो। फिर वो गन निकालने के लिए आर्किन को लॉकर का पासवर्ड बता देता है। आर्किन लॉकर खोलकर गन निकाल तो लेता है, लेकिन वो देखता है कि गन में तो गोलियां ही नहीं है। तभी आर्किन उस लॉकर में से वो डायमंड भी चुरा लेता है ताकि इस डायमंड को बेच कर वो अपना सारा कर्जा उतार दे। फिर हम देखते हैं कि वो किलर हैना के फादर को इतना ज्यादा टॉर्चर करता है, इतना ज्यादा मारता है कि उन्हें जान से ही मार डालता है। बाद में वो उसे उल्टा लटका कर
उसका पेट बिगाड़ देता है जिससे उसकी सारी इंटेस्टाइन्स बाहर आ जाती। फिर आर्किन को एक कबर्ड से आवाज आती है, तब वो सोचता है कि शायद इसके अंदर है ना छुपी होगी। जब आर्किन उस कबर्ड को खोलता है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है। आर्किन फिर उस बॉक्स को खोलता है और उस बॉक्स में से वही आदमी निकलता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। आर्किन उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो किलर चाहता क्या है। तब वो आदमी कहता है कि वो किलर इंसानों को किसी चीज की तरह कलेक्ट करता है और जो भी किलर को अच्छा लगता है किलर उसे कैप्चर कर लेता है और बाकी सबको मार डालता है। वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर आर्किन को बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ तुम। तब आर्किन उस आदमी को एक बार फिर से बॉक्स में बंद कर देता है। तब आर्किन देखता है कि एक दूसरे रूम की विंडो खुली हुई है, लेकिन जैसे ही आर्किन उस रूम में जाता है उसके शूज चिपकने लगे क्योंकि उस किलर ने जमीन पर ग्लू फेंकी हुई थी। वहीं पर एक बिल्ली भी होती है जो उस ग्लू से चिपकी होती है। तब आर्किन उस बिल्ली की मदद करने के लिए उसे उठाता है और विंडो की तरफ फेंकता है, लेकिन जब वो बिल्ली विंडो से बाहर जाने वाली होती है तब एक कटर से वो बिल्ली कट जाती है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर भी उस किलर ने ट्रैप लगाया हुआ था। उस बिल्ली की आवाज सुनकर जब वो किलर ऊपर आता है तब आर्किन बेड पर लेट कर खुद को छुपा लेता है। फिर किलर के वहाँ से जाने के बाद आर्किन हैना की मदर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल दूंगा। लेकिन साथ साथ आर्किन उसे एक इंस्ट्रक्शन भी देता है और वो ये कि तुमने इधर उधर नहीं देखना। जब आर्किन हैना की मदर को बाहर ले जा रहा होता है तब उसकी नजर खून पर पड़ जाती है और वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देख लेती है तो देख कर चिल्लाने लगती है। फिर वो बचने के लिए ऊपर की तरफ भागती है लेकिन सामने से किलर आ जाता है जो उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। फिर आर्किन एक जगह पर जाकर छुप जाता है। आर्किन देखता है कि उस किलर ने अपने हाथ में एक स्पाइडर पकड़ा हुआ है। इसका मतलब ये था कि उस किलर को स्पाइडर्स बहुत पसंद थे। वो किलर हैना की मदर का मुंह सी देता है ताकि वो दोबारा कभी भी ना चिल्ला सके। इसी दौरान आर्किन ऊपर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो विंडो से बाहर निकलकर भाग जाएगा। तभी उस घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में हैना की बड़ी सिस्टर होती है जो कि अपने फ्रेंड के साथ आई थी। आर्किन चिल्ला चिल्ला कर उसे अंदर आने से मना करता है मगर आर्किन की आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती। जब उस किलर को रियलाइज होता है कि घर के बाहर कोई आया है तब वो सारे दरवाजों के लॉक्स ओपन कर देता है। फिर हैना की सिस्टर अपने फ्रेंड को लेकर घर के अंदर आ जाती है और वो दोनों किचन में चले जाते हैं, लेकिन वो किलर उन दोनों को देख लेता है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आर्किन एक टेबल के नीचे छुपने जाता है ताकि वो हैना की सिस्टर को इन्फॉर्म कर सके किलर के बारे में। लेकिन तभी हैना की सिस्टर उस किलर को देख लेती है और वो बुरी तरह डर जाती है। उसका फ्रेंड किलर का मुकाबला करने के लिए उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो किलर उसे एक ट्रैप पर फेंक देता है जिस पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो किलर अटैक करता है हैना की सिस्टर पर, लेकिन हैना की सिस्टर पहले ही पुलिस को कॉल मिला चुकी थी। फिर वो किलर हैना की सिस्टर को पकड़ लेता है और उसका गला एक रेजर वायर से बांध देता है और साथ साथ उसे टॉर्चर भी करता है। तभी आर्किन ऊपर जाता है और वो अलार्म सेट करता है और अलार्म की आवाज सुनकर किलर ऊपर चला जाता है। तब आर्किन नीचे आकर हैना की सिस्टर को आजाद करता है। आर्किन को वहाँ पर देखकर हैना की सिस्टर काफी शॉक्ड रह जाती है और वो सोचती है कि शायद आर्किन ही वो किलर है, इसीलिए वो आर्किन को मारने के लिए एक सीजर को, लेकिन सीजर के उठाते ही वो खुद एक ट्रैप में फंस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आर्किन को काफी दुख होता है और फिर वो उस आदमी की जान बचाने के लिए जाता है जो उस बॉक्स में बंद था। आर्किन जब उस आदमी को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उस किलर ने उस आदमी के पैर में हुक्स लगाए हुए हैं, इसीलिए वो उस आदमी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। फिर आर्किन अकेला ही विंडो को तोड़कर बाहर आ जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी आर्किन की नजर हैना पर पड़ती है जो विंडो से उससे हेल्प मांग रही थी। ये देख कर आर्किन को उस पर तरस आ जाता है क्योंकि उसकी अपनी भी बेटी थी, इसीलिए वो हैना को बचाने के लिए वापस घर में आ जाता है। वो किलर बस हैना पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पर आर्किन आकर उस किलर पर अटैक कर देता है और आर्किन हैना को लेकर छुप जाता है। आर्किन हैना को बताता है कि हम किलर को एक ट्रैप में फंसाएंगे, हम लोग पानी को जमीन पर फेंकेंगे और बाद में तुम एक टीवी को जमीन पर गिरा देना ताकि पानी में करंट आने की वजह से वो किलर मर जाए। लेकिन उस किलर को उनकी इस ट्रैप के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो अपनी जगह उस बॉक्स वाले बूढ़े आदमी को फेंक देता है और करंट लगने की वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। ये देखकर आर्किन हैना को वहां से लेकर भागने लगता है और किलर भी उनका पीछा करता है। आर्किन हैना को एक सेफ जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन किलर आर्किन को पकड़ लेता है। फिर आर्किन के जब आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। आर्किन उस किलर को कहता है कि तुम बेशक मुझे मार दो लेकिन उस बच्ची को जाने दो, उसे बख्श दो, लेकिन वो किलर आर्किन की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। बाद में वो किलर एक हैमर से आर्किन का एक दांत तोड़ देता है जिससे आर्किन को काफी तकलीफ होती है। तभी उस घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो उस कॉल की वजह से आया था जो हैना के सिस्टर ने की थी। जब
जब वो पुलिस ऑफिसर विंडो से घर के अंदर देखता है तब उसे वहाँ पर डेड बॉडी और खून पड़ा हुआ मिलता है। तभी वो किलर बाहर आ जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, साथ साथ वो अपने डॉग को भी उस पुलिस ऑफिसर पर छोड़ देता है। तभी आर्किन को मौका मिलता है और वो खुद को आजाद कर लेता है। आर्किन देखता है कि उस किलर ने एक ट्रैप बनाया है जिसमें वो घर ब्लास्ट हो जाएगा। तभी वो किलर अपने डॉग को लेकर घर के अंदर आ जाता है और वो अपने डॉग से हैना को ढूंढने के लिए कहता है। आर्किन समझदारी का मुजाहिरा करते हुए उस डॉग को जलाकर मार डालता है। बाद में आर्किन उस किलर के पास जाकर उसका मुकाबला करता है। आर्किन उस किलर को इंजर्ड करके हैना को वहाँ से लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी आर्किन की नजर एक बड़े से मिरर पर पड़ती है। तब आर्किन उस मिरर को दरवाजे के सामने रख देता है। जब किलर वहाँ पर आता है तो वो उन दोनों के रिफ्लेक्शन देखकर समझता है कि शायद वो दोनों सामने हैं। इसीलिए किलर उन दोनों को देखते ही शूट कर देता है। तभी आर्किन अपने लगाए गए एक ट्रैप की वायर काट देता है जिससे लाइट फिक्स्चर आकर किलर पर गिर जाता है और आर्किन उस किलर की पॉकेट से चाबियां निकाल कर हैना को लेकर घर से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उन दोनों को अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें रेस्क्यू करती है। आर्किन जब एम्बुलेंस में होता है तब वो अपनी पॉकेट से उस डायमंड को निकालता है और उसे बहुत खुशी होती है कि वो उस डायमंड को चुराने में कामयाब हो गया है और अब उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा। फिर आर्किन नर्स को कहता है कि वो उसकी वाइफ को कॉल करे, लेकिन तभी वो किलर आकर आर्किन की एम्बुलेंस पर अटैक करके उसे पलट देता है। फिर वो किलर आता है आर्किन के पास और उस पर अटैक कर देता है। आर्किन उस किलर से काफी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिर्फ एक बार मेरी वाइफ से बात करने दो, लेकिन वो किलर आर्किन की एक नहीं सुनता और उसे बॉक्स में बंद करके अपने साथ ले जाता है। इसका मतलब ये था कि उसने कलेक्शन के लिए आर्किन को चूज किया था और यहाँ पर दी कलेक्टर मूवी का पार्ट